हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। इससे पहले हमने बात की थी किंगडम मोनेरा की, ठीक है, उसमें हमने बात की थी आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया की। अब हम बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, जो कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का सेकेंड किंगडम है। तो जो हर किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके आधार पर उन्हें बांटा गया है। तो अगर हम किंगडम की बात करें, तो जैसे कि इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि अगर हम अपने पूरे भारत की बात करें, तो भारत में जगह जगह पे, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनके आप चाल ढाल बोलचाल से बता दोगे कि ये भाई यूपी का है, या गुजरात के लोगों के चाल ढाल बोलचाल खाने पीने के तरीके से आप बता सकते हो कि वो गुजरात का है, या हम बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो इस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं। ऐसा ही हम बात करें, ये हमारे किंगडम सिस्टम में इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए आसान होगा। तो चलिए एक एक करके कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया कि भैया जो इन क्राइटेरियाज को फॉलो करेगा वही मेंबर बन सकता है प्रोटिस्टा का, ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम का वही मेंबर बन सकता है जो इन क्राइटेरियाज को फॉलो करेगा, अदरवाइज बाय बाय, यहां से जाएं आप, ठीक है, किसी और किंगडम में अपना स्थान बनाए। तो भैया पहला क्राइटेरिया निकाला किंगडम प्रोटिस्टा के राजा ने कि अगर किंगडम प्रोटिस्टा में आपको रहना है तो सबसे पहले आपको यूनिसेलुलर होना होगा, ठीक है, क्या होना होगा, यूनिसेलुलर होना होगा, माइक्रोस्कोपिक होना होगा, ठीक है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। दूसरा, आपका सेल टाइप परंतु यूकैरियोटिक होना चाहिए, ठीक है, यूनिसेलुलर होना चाहिए, यूनिसेलुलर होना चाहिए, ठीक है, यूकैरियोटिक भी होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक भी होना चाहिए, परंतु सेल टाइप आपका कैसा होना चाहिए, यूकैरियोटिक, तभी आप पहले क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, आप किंगडम प्रोटिस्टा में आने के लिए आपको एंट्री मिल जाएगी यहाँ पे। फिर इन्होंने कहा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, यदि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो आप जो हो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हो, आप सिम्बायोटेंट को भी फॉलो कर सकते हो, आप हेटरोट्रॉप्स भी हो सकते हो, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोई भी चलेगा, ऑटोट्रॉफ भी, हेटरोट्रॉप भी, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ भी हो सकता है। अब इन्होंने कहा, ये तो भाई दो कैरेक्टर्स के भैया इनको तो फॉलो करना भी, ये तो मैरिडेटरी है, ठीक है, इसमें से इन तीनों में से किसी भी मतलब ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉप्स में से जो आपका मन हो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि आपको एक्वाटिक होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, आपको एक्वाटिक होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कहानी थी, वो कहानी कुछ ये थी कि जो जब के राज्यों का बंटवारा हुआ तो जो किंगडम प्रोटिस्टा था उसके राज्य में वाटर ज्यादा आया, ठीक है, फ्रेश वाटर भी मराइन भी, लैंड एरिया जो था वो कम था। तो इन्होंने कही कि भैया अगर हमारे जो मेंबर्स होंगे वो ज्यादातर एक्वाटिक होंगे तो ज्यादा सही होगा, उनके सर्वाइबिलिटी के चांसेस ज्यादा रहेंगे इस एरिया में रहने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर मेंबर जो हैं वो एक्वाटिक होने चाहिए कि भैया सर्वाइव कर सके। तो ये क्या करते हैं कि पानी की सतह पर वाटर करंट के साथ फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। तो एक ये कैरेक्टर हो गया, मतलब की भाई ये जरूरी है आपके रहने के पर्पज से। तीसरा, अगर हम जो फोर्थ कैरेक्टर की बात करें कि भैया ये बड़े फैमिलियर होते हैं, इन्होंने अपने लिंक्स बना रखे हैं, ये लिंक शो करते हैं प्लांट के साथ, एनिमल्स के साथ और फंजाई के साथ, तीनों के साथ ही इनके अच्छे रिश्ते हैं क्योंकि अच्छे लिंक शो कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि तुम यूनिसेलुलर हो, सही बात है, माइक्रोस्कोपिक हो, सही बात है, तुम यूकैरियोटिक हो, इस बात पर थोड़ा सा संदेह है, तो तुम्हें इस बात की जांच करानी पड़ेगी। लेकिन जांच कैसे कराएं, आप न्यूक्लियस को दिखाओ, आप न्यूक्लियस दिखाओ, आप मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स दिखाओ, ये आपके प्रेजेंट होने चाहिए, तभी तो हम मानेंगे कि आप यूकैरियोटिक हो, वरना हम कैसे मान ले, पता है, पहचान पत्र के तौर पे आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप यूनिसेलुलर होते हुए भी यूकैरियोटिक हो।
तो इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना चाहिए और साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होने चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है, और गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होने चाहिए, ये मैंडेटरी थे ठीक है। उन्होंने कहा कि चलो जब इतने सख्त रूल हो गए अब एक काम करते हैं कि ये जो सीलिया और फ्लैजिला है ये अलाउ करते हैं, लेकिन ये ऐसे करते हैं कि हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला अगर आपको कैरी करने हैं तो आप करो, नहीं करने हैं तो मत करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आप दोनों ही कंडीशन में आ सकते हो। इसलिए तो हम कहते हैं सम मेंबर्स हैव सीलिया और फ्लैजिला, क्या कहते हैं सम मेंबर्स हैव सीलिया और फ्लैजिला। तो सीलिया और फ्लैजिला किन्होंने अपने पास रखा, जिनको घूमने फिरने का बड़ा शौक था कि भैया मुझे अगर यहाँ से यहाँ जाना हुआ तो मैं कैसे जाऊंगी या कैसे जाऊंगा, तो ये सीलिया और फ्लैजिला की मदद से ही जाएंगे, तो ठीक है सीलिया या फ्लैजिला इनमें से कोई एक होना चाहिए था। तो ये वाला क्राइटेरिया थोड़ा सा नॉर्मल था, इन लोगों को थोड़ी सी शांति मिली। अब इन्होंने कहा कि रिप्रोडक्शन तो बहुत जरूरी था, तो इसमें भी इन्होंने हिदायत बरती। इन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करो, जरूरी नहीं है कि आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करो, भैया रिप्रोडक्शन तो बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी इनकी तो किस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपनी प्रेजेंस को, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो था वो भी बहुत जरूरी था। इन्होंने कहा भैया ये आपकी मर्जी, आपको एसेक्सुअली करना है आप एसेक्सुअली करो, आपको सेक्सुअली करना है सेक्सुअली करो, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये कैरेक्टर्स थे जो कि किंगडम प्रोटिस्टा ने लागू किए थे अपने राज्य में रहने के लिए। सबसे पहला वन बाय वन, ऑल मेंबर्स आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एंड यूकैरियोट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक सिम्बायोटिक और हेटरोट्रॉफ्स, प्राइमरली एक्वाटिक शोइंग लिंक विद प्लांट्स एनिमल एंड फंजाई, न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, सम मेंबर्स हैव सीलिया और प्लाज्मा, एसेक्सुअल और सेक्सुअली बोथ। तो बच्चों आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया हो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और जाने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, ऐसे ही स्टोरी के फॉर्म में हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, आसान तरीके से आपको समझाने के लिए हम लगातार वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।